हाय, हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के बारे में। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्ट्रेंथ क्या होती है, इसे हम कैसे पहचाने, मेरी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, इसे मैं कैसे ढूंढूं, इसको ढूंढना क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है कि मैं ये जानूं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, और तीसरा, कैसे मैं अपनी स्ट्रेंथ का पता लगाऊं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, और अंत में सुनेंगे एक छोटी सी कहानी। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ आपकी शक्ति या आपका पॉजिटिव पॉइंट। हर व्यक्ति में, हर स्टूडेंट में कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट या उसकी स्ट्रेंथ होती है। कुछ बच्चों को इस बारे में जानकारी होती है, कुछ युवा वर्ग को इसके बारे में जानकारी होती है, कुछ लोग इस बारे को पहचानते हैं, और बहुत सारे लोग अपनी स्ट्रेंथ को नहीं जानते, ना ही पहचानते हैं। उनसे जब ये सवाल किया जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो अक्सर एक रटा रटाया सा जवाब दे देते हैं जो उन्हें बताया गया है या उन्होंने कहीं पर सुना है, लेकिन वास्तविक रूप में उनकी खुद की क्या स्ट्रेंथ है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं होती है। क्या आपने कभी सोचा है आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आइए समझते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब है आपका पॉजिटिव पॉइंट्स। ये दो भागों में होती है, एक आपकी मेंटल स्ट्रेंथ एंड सेकंड आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ। हम अक्सर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को नापते हैं, पहचानते हैं। जैसे अगर किसी को ये जानना है कि उसकी शारीरिक क्षमता क्या है, तो आप वजन उठा लीजिए, जिम चले जाइए, वजन उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है। आपको अगर अपनी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी जांचनी है, ज़्यादा कुछ मत कीजिए, योग आसन ट्राई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका शरीर कितना फ्लेक्सिबल है। तो हम फिजिकल स्ट्रेंथ जान लेते हैं, मगर मेंटल स्ट्रेंथ, क्या हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का भी पता कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। लाइफ में ऐसे कई फेजेस आते हैं, समय सिचुएशंस आती हैं आपके जीवन में, जहाँ पे आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का पता चलता है, आपको पता चलता है कि आप इमोशनली कितना स्ट्रांग हैं। ज़रा याद कीजिए वो समय जब आप कभी बहुत तेज़ रोए थे, क्या आज आप उसी बात को लेकर रो सकते हैं? नहीं, क्योंकि आज आप वही कंडीशन, वही सिचुएशन फिर से आपके सामने आ जाए तो आप शायद उतना नहीं रोएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप मेंटली थोड़ा स्ट्रांग हो चुके हैं, आपके इमोशंस अब उस सिचुएशन के लिए स्ट्रांग हो चुके हैं। तो मेंटल स्ट्रेंथ समय एंड सिचुएशन के साथ मनुष्य को मेंटली स्ट्रांग बनाती है, एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, ये भी मनुष्य अपने समय और सिचुएशन के साथ खुद को स्ट्रांग करता है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, कि हमें इसे ढूंढना क्यों ज़रूरी है। जब हम किसी से पूछते हैं कि मुझे लाइफ में कामयाबी हासिल करनी है, मुझे सफलता हासिल करनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो जो हमारे बड़े हैं, जो जानकार हैं, वो अक्सर यही कहते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक काम कीजिए, जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हों उसके मुताबिक काम कीजिए, उसके मुताबिक उनको ध्यान में रखते हुए आप अपने गोल सेट कीजिए, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। गोल सेटिंग के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख के उसे सुन सकते हैं। तो जब हमें ये बताया जाता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को फॉलो करें अपने डिसीजंस लेने के लिए, अपनी लाइफ में गोल सेट करने के लिए, तो मुझे ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को पहचानूं कैसे। पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ ज़रूरी क्यों है। लाइफ में आप कोई भी काम करें, कोई भी टास्क है, अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता है, आपको अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पता हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को प्लान कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हमें जन्मजात मिलती हैं और कुछ चीज़ें हम ड्यूरिंग अपनी लाइफ में गेन करते हैं। बाई बर्थ से मेरा मतलब है, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि काफ़ी देर लंबा रन लेने के बाद भी नहीं थकते, और कुछ होते हैं जिन्हें एक बार रन करा दिया जाए तो उन्हें दिन भर थकान महसूस होती है। तो वो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ में आ जाता है रनिंग, कि उसे कितना भी तेज़ दौड़ा दो वो फिर से थोड़ा रेस्ट लेके फिर दौड़ सकता है और उसे उतनी थकान नहीं होती, तो ये उसकी एक फिजिकल स्ट्रेंथ हो गई। ठीक उसी तरीके से कुछ लोग दिन भर काम करते हैं तो भी उन्हें थकान नहीं होती, वो थोड़ी देर आराम करके फिर से रिचार्ज हो जाते हैं, और वहीं कुछ लोग थोड़ा सा काम करके बहुत थकान महसूस करते हैं और दोबारा में वो उतना काम नहीं कर सकते। तो हम अपने लाइफ में अपने डिसीजंस, अपने जो फैसले हैं, वो हम अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यही बात हमारे मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर भी लागू होती है।
जब हमें हमारी स्ट्रेंथ पता होगी तो हम जो अपना गोल सेट करेंगे, जो हम अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे, हम उसमें ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं। और जब हमें हमारी स्ट्रेंथ पता होती है तो हम उसी हिसाब से, उसी अकॉर्डिंग और नई स्किल्स को सीख सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं जहाँ पे आप अपनी उस स्किल को और बेहतर कर सकते हैं और उस फील्ड में आगे जा सकते हैं। बात करते हैं तीसरे मुख्य मुद्दे पे कि मैं कैसे पता करूं मेरी स्ट्रेंथ क्या है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट, कोई ना कोई उसकी स्ट्रेंथ होती है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता होता है कि उनके नंबर कम क्यों आ रहे हैं। ये कई वजह हो सकती हैं, लेकिन उनमें एक मुख्य वजह उनकी हैंडराइटिंग होती है। अगर वो इसे सुधार लें तो उनके आंसर स्पष्ट होंगे और ऑब्वियसली उनके नंबर भी बढ़ेंगे। तो हमें ये पता करना होगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, क्या है मेरी वो पॉजिटिव पॉइंट्स। नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। आप पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखिए कि आपकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ में क्या आता है। आपकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ में हो सकता है आपकी राइटिंग अच्छी हो, हो सकता है आप फ्रेंडली नेचर हो, आप लोगों से बात करने में हिचकिचाते ना हो। आपका पॉजिटिव पॉइंट, आपकी स्ट्रेंथ ये भी हो सकती है कि आप लोगों के साथ जल्दी सोशलाइज हो जाते हैं, आप उनके साथ जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। आपका ये भी पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है कि आप भीड़ में खड़े होकर अपनी बात रखने में नहीं घबराते। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है कि आपको स्टेज फियर नहीं है। तो इस तरह से आपके पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको चीज़ें जल्दी याद होती हों। ये भी हो सकता है कि आप विषम परिस्थितियों में भी स्ट्रांग बने रहते हों। घर में कोई बात हो जाए, कोई सिचुएशन आ जाए तो भी आप स्ट्रांगली फोकस होकर अपना काम कर सकते हो। ये सभी बातें आपकी स्ट्रेंथ में आती हैं। एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे आप खुद जान सकते हैं कि आप फिजिकली कितने स्ट्रेंथ में हैं। आइए अब बात करते हैं एक छोटे से दृश्य की। एक कहानी का एक छोटा सा दृश्य मैं आपको सुनाता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हमें स्ट्रेंथ का पता होना क्यों ज़रूरी है। सुबह का वक्त है, एक दादी अपने पोते को लेके उसको स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकल रही है। घर के बाहर के दरवाजे को लॉक किया, अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और उसको लेके धीरे धीरे रोड के किनारे वो चल रही है। बच्चे के हाथ में गेंद है और वो उस गेंद से खेलता हुआ जा रहा है। थोड़ी देर के लिए दादी का हाथ अपने पोते के हाथ से छूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी शॉल ठीक करने लगती है। इसी दौरान बच्चे तो चंचल होते हैं, बच्चे ने क्या किया, वो अपनी बॉल से खेलने लग जाता है और उसकी बॉल उससे छूट जाती है और ये बॉल छूट के रोड पे गिर जाती है और जाने लगती है और बच्चा भी उस बॉल को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। तो जैसे ही वो बॉल को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है, सामने से एक तेज कार चली आ रही है और वो उस बच्चे को देख लेती है और देखते के साथ ब्रेक भी लगा देती है। मगर जब तक वो ब्रेक लगा पाती है, इतनी देर में बच्चा जो है उस कार के नीचे आ जाता है। वो पूरी तरह से तो नहीं दबता, लेकिन हाँ, कार का एक टायर उसके पाँव के ऊपर हल्का सा चढ़ जाता है, जिसके कारण वो फंस जाता है और तेज़ तेज़ चिल्लाने व रोने लगता है। दादी इससे पहले कुछ कर पाती, समझ पाती, देर हो चुकी होती है। वो जब तक देख रही थी, दौड़ रही थी, तब तक ये सब हो जाता है। लेकिन फिर भी पलक झपकते ही दादी जगह पे पहुंच जाती है और पहुंचते के साथ वो पहले तो चिल्लाती है मदद के लिए, आसपास देखती है, तेज़ तेज आवाज़ें देती है, मगर कोई भी वहां नहीं होता। जो लोग होते भी हैं वो गुजर रहे होते हैं। सुबह का वक्त होता है, भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं है। दादी जो है अब फैसला करती है और वो अपने दोनों हाथों से आगे गाड़ी के हिस्से को पकड़ के उठा देती है और वो गाड़ी को अपने दो हाथों से उठा के बच्चे को खींच लेती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि एक बुज़ुर्ग महिला अपने दोनों हाथों से गाड़ी को, कार को उसके आगे के हिस्से से उठा के उस बच्चे को, उस कार के टायर के नीचे जो वो फंसा हुआ वो बच्चा है, उसे वो निकाल लेती है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी बात है। एक बुज़ुर्ग महिला जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होनी चाहिए, मगर वो इतनी मजबूत है कि उसने तुरंत पलक झपकते ही कार के आगे का हिस्सा अपने दोनों हाथों से उठाया और उस बच्चे को बाहर खींच लिया। उस बच्चे को वो पुचकारने लगती है, उसे चुप कराती है और गले लगा लेती है और फिर उसे वो लेके हॉस्पिटल की ओर जाने लगती है। ये सब जब हो रहा होता है तो धीरे धीरे वहाँ भीड़ जमा हो जाती है और लोग तारीफ़ करने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं।
वो कहते हैं, वाह दादी, आपने तो कमाल कर दिया, आप तो एकदम सुपर वुमन हो, आप में तो बहुत ताकत है, आप तो शक्तिशाली हो, आपने तो बच्चे को बचा ही लिया। वहीं कोई कोई ये भी कह देता है चलते चलते कि अरे वाह दादी, तुम्हें तो ओलंपिक में होना चाहिए था, तुम तो देश के लिए गोल्ड ले आती। दादी ये सब सुन रही होती है, लेकिन सुनते सुनते वो अपने बच्चे को लेके दौड़ जाती है अस्पताल की ओर। दिन गुजरता है, रात हो जाती है, बच्चा अब ठीक है, लेकिन दादी अब कमरे में अकेले बैठी हुई है। रात का वक्त है, रात की खामोशी है, और दादी अपने बिस्तर पर बैठी हुई है, मगर वो कुछ सोच रही है, और सोचते ही सोचते वो रोने लगती है। वो रोए जा रही है, बस रोए जा रही है। क्या आप जानते हैं दोस्तों उसके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं बताता हूँ। वो बात अगर उससे पहले पता चली होती तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर जाती। क्या पता चला? उसे आज महसूस हुआ कि उसके हाथों में इतनी ताकत है, वो फिजिकली इतना स्ट्रांग है कि वो इस एज में भी इतना वज़न उठा ले रही है। तो वो ये सोच के रो रही है कि जब वो यंग थी तो तब तो उसके अंदर और भी ज़्यादा एनर्जी थी। यही उस दादी के साथ था। वो ये सोच के रो रही थी कि काश मुझे इस बात का एहसास पहले हो गया होता तो आज मेरा भी दुनिया में एक नाम होता, आज मैं भी यूँ गुमनाम जिंदगी के साथ अलविदा ना कहती इस दुनिया को। क्योंकि वो पता है उसे कि अब उसके जीवन में कुछ ही वर्ष बचे हैं, वो बूढ़ी हो चुकी है और अब मृत्यु होगी। तो दोस्तों, स्ट्रेंथ का समय पे पता चलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें हमारी स्ट्रेंथ समय से पता चल जाए तो हम अपनी लाइफ में बहुत ही कुछ जादुई और करिश्माई तरीके से कर सकते हैं। क्या आपको आपकी स्ट्रेंथ पता है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी मदद मिलेगी अपनी स्ट्रेंथ ढूंढने में, खुद को समझने में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।